जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सुशात स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन, सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, एक क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है। जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस में अगर एडमिशन लेना है आपको, टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले, न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, अभी 2 दिन हुए हैं, है ना, न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से। तो आप सभी साथी इस न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, टीजीटी पीजीटी वाले, मास्टर कैडर वाले, केबीएस एलटी ग्रेड और डीएसएसबी वाले, हमारे जितने भी साथी हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और हमारे साथियों को जिनको भी नोट्स मंगवाना है अपने घर पर, एक सप्ताह में जो आपके नोट्स आपके घर तक पहुंचेंगे, जिनको भी मंगवाना है वो अब घर बैठे नोट्स मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं दोस्तों इस नंबर पे और नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। चलिए, तो आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे और एक बार शेयर भी कर देंगे, बताएं, लाइक करिए जल्दी से। आरंभिक काल को, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, मिश्र बंधु, आचार्य विश्वनाथ या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, बताओ आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। एक अच्छा क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो रहा है कि सर आरंभ से ही साथ में रहे कौन। देखते हैं, यहां गड़बड़ करेंगे बहुत सारे लोग, कुछ लोग ये बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बी बता रहे हैं, दिल से अज जी ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, मंजीत जी ए बता रहे, बहुत बढ़िया, मुझे पता था गड़बड़ करेंगे बहुत सारे लोग, पहले ही क्वेश्चन से गड़बड़ी चालू हो रही है ना। मुकनद जी गणपति लिख रही हैं, बहुत बढ़िया मुकनद जी, है ना। और बताइए, सभी लोग आंसर बता रहे हैं, पहले ही प्रश्न से ही गड़बड़ी चालू हो गई। आरंभिक पूछा है तो आरंभ से साथ में कौन रहे, एक पूछा जाता है प्रारंभिक, एक पूछा जाता है प्रारंभिक और एक पूछा जाता है आरंभिक, यहां आरंभिक पूछा है तो आरंभ से साथ में कौन रहे, आरंभ से साथ में रहे मिश्र बंधु, तो आरंभिक काल कौन कहेगा, मिश्र बंधु कहेंगे। और प्रारंभ करते हम कोई भी चीज तो हम कहते हैं कि श्री गणेश करो, गणेश गणपति, तो गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है, ये चीज याद रख लेनी है, गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, प्रारंभिक काल कहा है और आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है, अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो या फिर परमाल रासो, बताइए। यहां पर आकाश शाक्य जी, विनीता जी, अर्पिता जी, अजमेर के शासक से संबंधित रचना कौन सी है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, लाइक करना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताना है। अजमेर के शासक से संबंधित रचना है कौन सी, बीसल देव रासो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। परमाल रासो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड कुमार रासो या फिर विजयपाल रासो, 3 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। अजय यादव जी बताइए और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक, परमाल रासो को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और बिल्कुल सही है कि सर इसको आलाखंड नाम से जाना जाता है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना, बहुत बढ़िया। कबीर की वाणी को साधुकड़ी किसने कहा, अच्छा क्वेश्चन है, कबीर की वाणी को साधुकड़ी किसने कहा है, राशिद जी बताइए, राशिद कुरेजी जी, अमित जी, लखविंदर जी, हरप्रीत जी, नितिका जी, चयन करना है कबीर की वाणी को। 1398 में इनका जन्म हुआ था कबीरदास का, है ना। और दोस्तों कहां पर हुआ था, काशी लहरतारा, लहरतारा तालाब के पास दोस्तों ये मिले थे कबीर जी, है ना। तो ये साधुकड़ी कहा था किसने, रामचंद्र शुक्ल ने, ये नंबर आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों, है ना, 2 दिन ही हुए हैं न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं अभी 1500 में 12 महीने के लिए, 1500 में 12 महीने के लिए
नानक देव के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब के किस महला किस प्रकरण में, किस प्रकरण में दोस्तों रखा गया है, किस प्रकरण में संग्रहित किया गया है नानक देव के पदों को। पांच नंबर का क्वेश्चन है, सोहिला में, महला, जपू जी या फिर शबद में, बताइए क्या है यहां पर राइट आंसर। धिमन जी, कल्पना धिमन जी, अमिता जी, पलविंदर जी, तो यहां पर पांच नंबर का क्वेश्चन और आपका सीधा आंसर चला गया बी, यानी महला प्रकरण में बी नंबर करेक्ट आंसर है। संत काम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे, छह नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा पता है आपको बताना है संत काम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे, आपको बताना है। जितने भी हमारे पुराने बैच वाले साथी हैं जिनका कहानी चैप्टर चल रहा है उनका कहानी का टेस्ट होगा कल, है ना, ऐप पर कहानी का टेस्ट होगा, ठीक है। तो संत काम में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत कौन थे, छह नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छह नंबर का क्वेश्चन है और उत्तर चला गया कि सबसे पढ़े लिखे जो थे वो थे सुंदरदास, सुंदरदास बी नंबर आपका सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है, बताओ सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है, मधुमालती का है, चित्रावली का है, हंस जवाहर का है या फिर इंद्रावती का है, बताओ। अजय यादव जी, सभी लोग बताएंगे, सात नंबर का क्वेश्चन है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है, ये सात नंबर का क्वेश्चन है। सात नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये सुजान कुमार जो है चित्रावली लगा दो, बी नंबर लगा दो, बी नंबर बिल्कुल है ना। डाली तिवारी जी संपर्क कर सकते, नीचे नंबर है ना, एडमिशन लेना है तो चित्रावली। और ये दोस्तों किसकी रचना है, उस्मान की रचना है, इसका रचना काल बताएगा कोई चित्रावली का, बताइए जल्दी से। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, सिखों के पांचवें गुरु आपसे पूछा गया। जसवीर जी चयन करिए, नीतू गुप्ता जी, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों अपने मित्रों का, एक बार जल्दी से शेयर कर दो, सभी साथियों के लिए शेयर कर दो, ठीक है। जितने भी हमारे साथी हैं, सिखों के पांचवें गुरु कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी कर देंगे, करिए जल्दी से करिए। और आपका उत्तर है कि सर अर्जुन देव, यानी बी नंबर सही है, बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ईश्वर के सत्यवती कथा का नायक कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। बताना ईश्वर के सत्यवती कथा का नायक कौन है, ईश्वर दास कृत सत्यवती का नायक कौन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऋतुपर्ण है, मदन सेन है, रतन सेन है, कौन से सेन है ये आपको बताना है, बताइए, चयन करिए नौ नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर चला गया ये नंबर, सर ऋतुपर्ण लगा दो, ये नंबर लगा दो, ईश्वर के सत्यवती कथा का नायक कौन है, ऋतुपर्ण, ये नंबर। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी, दस नंबर का क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, शिवाजी ने, छत्रसाल ने, सोलंकी राजा रुद्रशाह या फिर इनमें से कोई नहीं, दस नंबर का क्वेश्चन है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, किसने दी है दस नंबर के क्वेश्चन में, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी है, आपका उत्तर चला जाएगा सी नंबर, यानी कि सोलंकी राजा रुद्रशाह ने, ठीक है, सी नंबर आपका सही है, सोलंकी राजा रुद्रशाह आपका राइट है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि इन्होंने दी है, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक बताना है, मतिराम है, चिंतामणि केशवदास या फिर घनानंद है। शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, रीतिकाल के प्रवर्तक आपको चयन करना है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, लाइक करके शेयर भी कर देना है आपको। नैन्सी सिंह जी, कमलाकांत जी, हीरो होंडा जी, सभी लोग बताएंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना और उत्तर है चिंतामणि, चिंतामणि त्रिपाठी, बी नंबर आपका सही है, ठीक है। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, रजनी जी, संध्या गुप्ता जी, सभी लोग बताएं यहां पर, प्रीति पाल जी, अनीता जी, 12 नंबर का क्वेश्चन, बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे, और शेयर भी कर दो जल्दी से और लाइक भी कर दो, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। रजन सिंह जी राजपूत, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका।
यहां पर जल्दी से चयन करना है आपको, एक बार लाइक भी कर देना है, जल्दी से बताएं लाइक करिए। बूंदी नरेश भाव सिंह के दरबारी कविते बोले सर कौन है, 12 नंबर में मतिराम लिख दो, बी नंबर आप करेक्ट आंसर बता रहे हो। मुझमें देव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है, मुझमें देव जीवन की विकास आत्मकथा के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद, सत्यानंद अग्निहोत्री, मैत्री पुष्पा या सुशीला टाकभोरे, बताओ मुझमें देव जीवन का विकास ये आत्मकथा किसकी मानी जाती है शैलेंद्र जी, ममता जी बताइए 13 नंबर के क्वेश्चन में, और आपका उत्तर है कि सर सत्यानंद अग्निहोत्री, यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है, बी नंबर करेक्ट आंसर 13 नंबर में बिल्कुल सही लगाया है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, कथन किसका है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, चरम व्यक्तिवाद ही दोस्तों प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है, ये कथन आपको चयन करना है, बहुत ही बढ़िया कथन पूछा गया 14 नंबर के क्वेश्चन में, चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है, ये कथन किसका है, ये कथन किसका है, नामवर सिंह का है, प्रकाश चंद गुप्त का है, डॉक्टर देवराज का है, शिवदान सिंह चौहान का है, 14 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करते करते बताना और उत्तर चला जाएगा नामवर सिंह, यानी बी नंबर, बी नंबर नामवर सिंह आपका करेक्ट आंसर है ना। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो सभी साथी, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है हिंदी साहित्य के संपूर्ण कोर्स में निरंतर अध्ययन करना है, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, तो यहां पर आपको बताना है जल्दी से, यहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर 15 नंबर के क्वेश्चन में, बोले सर रामविलास शर्मा लगा दो, ये नंबर आप करेक्ट आंसर लगा दो। नेक्स्ट देखो, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनीषी की लोकात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है राइट आंसर क्या है, मनीषी की लोक यात्रा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है, 16 नंबर का क्वेश्चन, और उत्तर चला जाएगा कि सर सी नंबर लगा दो, कविनाथ गोपीराज, सी नंबर कविनाथ गोपीराज बिल्कुल सही है, ठीक है बहुत बढ़िया, कविनाथ गोपीराज के जीवन पर आधारित है। शोभा कांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है, बाबूजी बताओ, शोभा कांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, प्रेमचंद, उषा प्रेमवदा, 17 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या जाता है, यहां पर शोभा कांत द्वारा रचित जीवनी बाबूजी किसके जीवन पर आधारित है, और बाबूजी में आपका उत्तर लगाना है अपन को नागार्जुन के जीवन पर आधारित है, बाबूजी बी नंबर करेक्ट है, बी नंबर आपका नागार्जुन बिल्कुल सही है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है, बताओ कौन सी कहानी नहीं है, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमर बल्लेरी, 18 नंबर का क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, संदीप जी बताइए, पुष्पा जी, प्रीति जी, है ना, बताओ कार्तिक जी, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है, रंजीत कुमार जी, डी वंदना जी, 18 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बताएंगे, और आपका उत्तर है कि सर फांसी तो है, नीलम देश की राजकन्या भी है, पाजेब भी है, पढ़ा है आपने, ये तीनों तो हैं लेकिन अमर बल्लरी नहीं है, यानी डी नंबर अमर बल्लरी आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर सही है। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है तो कौन सी नहीं है, राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, मोहन राकेश या फिर कमलेश्वर, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक कौन नहीं है, कौन नहीं है, सीमा जी बताओ, लवण्या जी बताएं, 19 नंबर का क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन, ये क्वेश्चन मैंने कल परसों याद भी करवाए थे आपको सारे के सारे, देखते हैं कौन कौन गलत करता है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 में कौन कौन सही बता पाता है और कौन कौन गलत करता है, और है ना, पुष्पा रावत जी सी नंबर बता बैठी हैं जो कि बिल्कुल गलत है, और आपने उत्तर बताया है बी नंबर जो कि बिल्कुल सही है ना, ये आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, आ कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, गंगा प्रसाद विमल, नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश्वर, कमलेश्वर, बाकी ये बी नंबर आपका सही है, जिसने
उसने कहा था कहानी की रचनाकार कौन है, उसने कहा था ये कहानी किसकी है, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, उसने कहा था ये आपको बताना है ये कहानी किसकी है, और इनकी दोस्तों बाकी की कहानी भी आपको लगाना है, बाकी की कहानी भी आपको बताना है। तो यहाँ पर चयन करिए सभी साथी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है, कहानी के रचनाकार आपको चयन करना है। लाइक कर देना है सभी साथियों को, शेयर भी कर देना है। 20 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर चला जाता है गुलेरी जी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी, बताओ, गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा, सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है, 21 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है, 21 में आपको बताना है, बताइए। और भारतेंदु ने यात्रा व्रत संबंधी कौन सी रचना लिखी है, जल्दी से बताइए। सौरभ वर्मा जी, दीपिका शुक्ला जी, 21 नंबर का क्वेश्चन है। रिंकी जी बताइए, सोनू के एम जी बोले सर इस सरयू पार की यात्रा लिखी है इन्होंने, डी नंबर लिखी है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र के रचनाकार कौन है, रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी, क्या बोल उठी रेखाएं, बताओ। नीरू जी बताइए राइट आंसर, राजीव जी, वंदना जी, सुनील जी, रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, उपेन्ना तस्क, धर्मवीर भारती, या फिर उषा प्रियंवदा। 22 नंबर के क्वेश्चन में इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पूनम जी, बलजीत जी, सौरभ जी, और आपका उत्तर है कि रेखाएं बोल उठी, क्या बोल उठी, सत्य बोल उठी, तो सत्य से सत्यार्थी, ये नंबर करेक्ट और राइट आंसर है। चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, अमृतलाल नांगर, यशपाल हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, सरज जोशी हैं, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन अमित जी बताना है, बताइए। हरप्रीत जी, 23 नंबर का क्वेश्चन है, शेयर कर दीजिए सभी साथी। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सेशन आपका यहाँ पर चल रहा है, चयन करिए, लाइक करिए, चक्कर क्लब के रचनाकार कौन है, एक अच्छा क्वेश्चन बताइए, चक्कर क्लब ये किसकी रचना है, चक्कर क्लब बताना है, चयन करिए और लाइक भी करते रहना है दोस्तों, बताओ। और यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 23 में आपका उत्तर है यशपाल, यश का चक्कर, यशपाल का चक्कर बोले है ना, यशपाल का चक्कर, चक्कर क्लब, यशपाल। भौन बंद के लेखक कौन है, अच्छा क्वेश्चन, मैंने ट्रिक 20 की बताई थी आपको, भौन बंद, बताओ माया राम जी, है ना, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए, और क्रमबद्ध अध्ययन करना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए, है ना, बहुत सारे साथी हैं दोस्तों, आप 1500 में 12 महीने पढ़ने को मिल रहा है आपको, जबकि आप अपने बच्चे की फीस 1500 एक महीने की भरते हो, 1500 क्या कई हजार भरते हो आप लोग एक महीने की, है ना। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर भौन बंद के जो लेखक हैं वो लेखक कौन है, ये चयन करना है 24 नंबर के क्वेश्चन में, 24 नंबर में आपको बताना है। और भौं अगर कर दे तो बोले सर उसका प्रताप होता है, प्रताप नारायण मिश्र, डी नंबर सही है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या फिर वनमाली। 25 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है, बताइए जल्दी, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये बताना है, 25 का आंसर बताना है, 25 का राइट आंसर चयन करना है, और उत्तर हो जाएगा कि सर रामचंद्र शुक्ल लगा दो, ये नंबर लगा दो, ये नंबर आपका रामचंद्र शुक्ल, यदि गद्य कवियों की कसौटी है, जीवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ। अभिता जी बताइए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस ये ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहा है अभी तक, जल्दी से करो फटाक से। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका उत्तर हो जाएगा क्या, जीवेषणा में कौ संधि विच्छेद करिए, जीवेषणा का बताइए, 26 नंबर का क्वेश्चन। और लाइक करते रहिए सभी साथी। विकास जी बताइए यहां पर क्या नंबर सही हो जाएगा, और आपका उत्तर जा रहा है एक ही तरफ जा रहा है कि सर क्या उत्तर है,
जीव धन एसणा, यानी कि ए नंबर ए सही है कि ए वाला सही है। तो आपका उत्तर ए नंबर यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, ए नंबर सही है। नेक्स्ट देखो, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन आपको चयन करना है, जल्दी से करिए। जल्दी से बताइए 27 मनोयोग का सही संधि विच्छेद बताइए जल्दी से, है ना। और यहां पर आप ए लगा दो दोस्तों, बी नंबर लगा दो, ये नहीं होगा इसका, बी नंबर होगा। जीव धन एसणा सही हो जाएगा, बी नंबर सही होगा। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा जल्दी से बताएं, चयन करिए जल्दी से। 27 नंबर का क्वेश्चन है और 27 में आपका सही आंसर कौन बता रहा है देखते हैं। मनोधन योग होगा, मनहधन योग होगा या क्या होगा। 27 नंबर का क्वेश्चन और आपका उत्तर क्या जा रहा है, उत्तर क्या जा रहा है यहां पर बताइए 27 का आंसर, और लाइक भी कर दीजिए, है ना। तो उत्तर चला गया कि सर मनह धन योग, मनह धन योग सही है कि मनोधन योग क्या सही है। और सर बी लगा दो, बी नंबर सही है। मंद का विलोम क्या हो जाएगा, मंद का विलोम बताना है, मंद का विलोम बताइए जल्दी से। सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है या फिर त्वरित है। मंद का विलोम शब्द क्या है, मंद का बताइए, मंद का चयन करना है, मंद का उत्तर बताना है, मंद के बारे में आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे मंद का विलोम क्या है, सुस्त है, द्रुत है, शीघ्र है या फिर त्वरित है। और 28 नंबर का क्वेश्चन है और 28 का उत्तर है कि सर मंद पूछा है तो मंद में द्रुत लगा दो, बी नंबर लगा दो, द्रुत सही है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है, उद्धत में बताना है आपको। सौख्य है, सौम्य है, उत्तम है या फिर कोमल है। उद्धत का विलोम बताइए अमित सिंह जी, कुमकुम यादव जी, शुभम जी, चंद्र जी, अर्पिता जी। जिनको हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है नीचे नंबर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हो, अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हो एक सप्ताह में, ठीक है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, 29 नंबर का क्वेश्चन है और उद्धत का हो जाएगा बी, बी सही है। जनता जनार्दन कहां जा रही, बी की तरफ, बहुत बढ़िया, बी नंबर राइट है। पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है, पंत जी भी सुमित्रा नंदन पंत है जिनका जन्म 1900 में हुआ था, अल्मोड़ा कोसानी अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों, उत्तराखंड में, है ना। छायावाद के चार आधार स्तंभों में जिनका नाम लिया जाता है, पल्लव जिनकी रचना है जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, उनकी पंत की जिन्हें प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है, उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जिन्हें प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है, और पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है, 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो रचना है स्वर्ण किरण, ये नंबर स्वर्ण किरण सही है। हिंदी में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है दुर्गेश जी बताइए, हिंदी में मासलवाद के प्रवर्तक कौन है अरविंद जी। सभी लोगों को एक बार चयन करना है, हिंदी में मासलवाद के प्रवर्तक बताना है। हालाबाद के तो आपको पता ही है कि सर हालाबाद के प्रवर्तक बच्चन है ना माने जाते हैं, हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं, लेकिन मासलवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, तो 31 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर देखते हैं कहां पहुंच रहा है। मासलवाद रामेश्वर शुक्लांचल, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मासलवाद राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी रचना है दोस्तों, किसकी, केदारनाथ अग्रवाल की, ये आपको जल्दी से बताना है। केदारनाथ अग्रवाल को किस रचना, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता वो बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन समय से आपकी दोस्तों घर पहुंच जाएगा, आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, है ना। रश्मि पाठक जी 32 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हो आजकल आप लोग। केदारनाथ अग्रवाल की वो रचना कौन सी है, वो रचना बताई है जनता जनार्दन ने, बी यानी अपूर्वा, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, अपूर्वा सही है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, नागार्जुन का वास्तविक नाम बताना है, बताइए राशिद कुरे जी, जी ममता जी, दिनेश जी, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था, बाबा नागार्जुन।
बाबा दीन वासुदेव से या फिर वैद्यनाथ मिश्र, बताओ क्या है बीनु सरोज जी राइट आंसर। सभी लोग चयन करते हुए शेयर भी किया करें दोस्तों, शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, है ना। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं, हिंदी साहित्य के बहुत ही बढ़िया नोट्स बनाए गए, सरल भाषा में बनाए गए, है ना। ट्रिक ट्रिक बनाई गई है दोस्तों बहुत सारी। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, इन्हें आधुनिक काल का कबीर कहा जाता है नागार्जुन, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, ठीक है, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है, सबसे पहले प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है बताइए। श्वेता जी क्वासी है, रश्मि रेखा है, कुमकुम है, या फिर उर्मिला है, उर्मिला है, तो चयन करें। अच्छा क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है, ये आपको चयन करना है। देखते हैं कौन कौन सफल होता है इसमें, बताइए। और आपका उत्तर बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य है वो काव्य कुमकुम, सी नंबर आपका सही है। जंगल के जीव संस्मरण के लेखक कौन है, 35 नंबर का क्वेश्चन, जंगल के जीव संस्मरण के लेखक बताना, शिवदान सिंह चौहान है, रांगे राघव है, श्री राम शर्मा है, राम नारायण उपाध्याय है, बताइए। 35 नंबर का क्वेश्चन है, जंगल के जीव, उत्तर चला जाएगा कि सर श्री राम शर्मा लगा दो, सी नंबर सही लगा दो, सी नंबर सही है। ठेले पर हिमालय संस्मरण किसका है, ठेले पर हिमालय श्री राम शर्मा का। मैंने आपको कई बार बताया है कि वो धर्मवीर होते हैं दोस्तों कि ठेले पर हिमालय के हाथ में हिमालय लेके आ जाते हैं, धर्मवीर होते हैं, है ना। तो धर्मवीर, करमवीर और उत्तर हो जाएगा यहां पर वीर ही वीर, ठेले पर हिमालय, इसके रचनाकार कौन है, और इसके रचनाकार आपने बता दिया कि सर वो धर्मवीर होते हैं, धर्मवीर भारतीय होते हैं, है ना। तो ये सी नंबर आपका करेक्ट है, सी नंबर। तिरिच्छ कहानी के रचनाकार, आज ही पढ़ा था अपन ने तिरिच्छ, मैंने बताया है तो जल्दी से बताइए तिरिच्छ कहानी के रचनाकार कौन है, प्रसाद है, गुलेरी जी हैं, उदय प्रकाश या मुकुटधर पांडे हैं। तिरिच्छ कहानी के रचनाकार कौन है, तिरिच्छ कहानी के रचनाकार कौन है, चयन करिए जल्दी से, लाइक कर दीजिए। बताइए फटाफट से, शेयर भी करना है आपको, तिरिच्छ कहानी के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद हैं, उदय प्रकाश हैं, मुकुटधर पांडे हैं। देखते हैं कौन कौन सफल होते इस क्वेश्चन में, है ना, कौन कौन गलत बता रहा है। अरे अधिकांश जनता जनार्दन तो सी की तरफ जा रही है, बहुत बढ़िया। तिरछी नजर का उदय हुआ है, बोले सर तिरछी नजर, तिरछी उदय प्रकाश, तिरछी किरण, तिरछी नजर का उदय, है ना। पीली छतरी वाली लड़की के रचनाकार कौन है, पीली छतरी वाली लड़की, बताओ सोनू के एम जी, मंजू जी बताइए, लाइव है, बिल्कुल लाइव ही चल रहा है यहाँ पर, पीली छतरी वाली खिड़की बताना है, बताइए। संदीप जी, अमित जी, माया राम जी, एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, बहुत बढ़िया, है ना। तो रश्मि पाठक जी बताइए, नीरू जी, रोहित आरके जी, सीमा ममता जी, दिनेश जी, पीली छतरी वाली लड़के लड़की, इसके रचनाकार कौन, उदय प्रकाश हैं, कुबेर नाथ राय हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरिशंकर परसाई हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर जा रहा है 38 नंबर में कि उत्तर लगा दो उदय प्रकाश, ए नंबर आपका उदय प्रकाश सही है, ए नंबर आपका करीब सही है। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है, महुए का पेड़, कृष्णा शोप्ति, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा, मार्कंडे, महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है बताइए। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है, कृष्णा शोप्ति, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा या फिर मार्कंडे, बताओ। चनी चयन करिए, पीली छतरी वाली लड़की का भी उदय हुआ है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, 39 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है, उत्तर हो जाएगा मार्कंडे, मार्कंडे यानी डी नंबर आपका सही है। महुए का पेड़, इसके रचनाकार कौन है, मार्कंडे हैं, महुए के पेड़ में मार्कंडे। दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया महुए का पेड़ के बारे में, आपको मैंने बताया था कि मैंने महुए भी बीने हैं बहुत, है ना, और आप लोग महुए का पेड़ नहीं जानते। देखो दिनेश जी, पुष्पा जी बताइए, यहाँ पर साखी किस कवि की रचना है, साखी किस कवि की रचना है,
साथ ही बताना है। चैन करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वो मंगवा सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। साखी किस कवि की रचना है बताइए, रश्मि पाठक जी, सौरभ वर्मा जी, सिमर पाल जी, 40 नंबर का क्वेश्चन है, और बोले सर विजय देव लगा दो। साखी किस कवि की रचना है, तो वो विजय देव नारायण साही की है, साही और साखी, बोले साखी ने, सखी ने साही पनीर खाया था, बोले सर शाही, साखी और शाही, ठीक है। उसके बाद काट की घंटियां, इसके रचनाकार कौन है बताइए, वाह राजेश चौधरी जी, सिलेक्शन हो गया आपका, टीजीटी में सिलेक्शन हो गया, वेरी गुड राजेश चौधरी जी। काट की घंटियां इसके रचनाकार कौन है, काट की घंटियां इसके रचनाकार कौन है, जल्दी से चयन करिए। काट की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उदय प्रकाश, अरुण कमल, चयन करें, लाइक कर दो। और काट की घंटियां 41 नंबर का क्वेश्चन है, और 41 नंबर के क्वेश्चन में सर्वे, बोले सर काट की घंटियों का सर्वे करना है, सर्वे, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये नंबर, मैं भक्त के हूं सामने, इसके रचनाकार कौन है, मैं भक्त के हूं सामने, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, मैं भक्त के हूं सामने, बोले भैया भक्त के सामने काहे को खड़े हो, भक्त के सामने काहे को खड़े हो, गिरजा, गिरजा, तो गिरजा से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैं भक्त के हूं सामने, तो गिरजा, गिरजा से बनेगा गिरजा कुमार माथुर, बी नंबर, गिरजा कुमार माथुर, मैं भक्त के हूं सामने, बोले भक्त के सामने काहे खड़े हो, गिरजा, तो गिरजा से गिरजा कुमार। हित तरंगणी के रचनाकार कौन है, 43 नंबर का क्वेश्चन, हित तरंगणी मतिराम है, चिंतामणि है, कृपाराम है, भिकारी दास है। 43 नंबर के क्वेश्चन में लाइक करते हुए आगे बढ़ना है, शेयर भी करना है। हित तरंगणी के रचनाकार कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 43 नंबर में, बताओ। अगर, अगर क्या, बोले सर अगर मगर नहीं करो, सीधे सीधे उत्तर बताओ, उत्तर बताएं, लेकिन ट्रिक भी आपको आनी चाहिए कि अगर कृपा राम की होगी तो हित ही होगा, अहित नहीं होगा, है ना, हित से हित तरंगणी, और कृपा राम की होगी, कृपा राम की होगी तो हित होगा, हित, तो हित तरंगणी के रचनाकार कृपा राम, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इश्क नामा के रचनाकार कौन है, बोधा है, घनानंद है, देव है, या फिर भिकारी दास है, इश्क नामा के रचनाकार कौन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44 नंबर के क्वेश्चन में बताना है आपको, बताइए इश्क नामा इसके रचनाकार कौन है, अर्पिता दुबे जी बताइए, कुमारी रिनू जी, रावंत जी, इश्क नामा के रचनाकार कौन है, 44 नंबर का क्वेश्चन है। और बोले सर इश्क में नाम पड़ गया बोधा, इश्क में नाम क्या पड़ गया, बोधा, तो बोधा इनका वास्तविक नाम बुद्धि सेन था दोस्तों, बुद्धि सेन, पन्ना नरेश खेत सेन ने इनका नाम दिया था बोधा, क्योंकि ये बहुत बुद्धिमान थे, है ना, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, बिहारी सतसई, है ना, और बिहारी सतसई दोस्तों गागर में सागर भरने वाली रचना कहलाती है, रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं इसी की लिखी गई, बिहारी सतसई की, ठीक है। तो यहां पर 45 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक कर दो एक बार, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 710 हैं, 711 हैं, 613 हैं, 713 हैं, तो कौन कौन सही बता पाएगा यहां पर बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, और राइट और आंसर चला गया 713 दोहे हैं, डी नंबर 713 दोहे। अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाली, करने वाला जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है बताइए, रीमा यादव जी, राधिका जी, रंजीत जी, सभी लोग बताएं दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जरूर जुड़े सभी साथी, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े, है ना, लाइक करें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस में एक कमेंट करके बताना है, ऐप में जाएं, कमेंट करके बताना है कि एक क्लास आपको कैसी लगती है, एक क्लास आपको कैसी लगती है दोस्तों, है ना, ऐप आपको कैसा लगा सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाइए प्ले स्टोर में, उसमें रेटिंग देना है आपको, कितनी रेटिंग देंगे, 5 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे, कितने स्टार देंगे आप, और एक कमेंट आपका जरूर होना चाहिए उसमें।
ठीक है। तो अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला बताना है, 46 नंबर का क्वेश्चन है। 46 नंबर में आपको चयन करना है और वो जो सही है वो है भिखारणी, है ना। माँ और भिखारणी ये किसके उपन्यास हैं, इसके लेखक कौन है। डी नंबर तो आपका बिल्कुल सही हो गया, डी नंबर तो आपका राइट आंसर हो गया। अमृतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास कौन सा है बताइए जल्दी से, बताओ। अमृतलाल लांगर का जीवनी परक, जीवनी परक उपन्यास कौन सा है। 47 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है। राशिद कुरैजी जी, प्रियंका जी, सभी लोग बताएंगे। 47 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर देखते हैं कौन सा जा रहा है। लाइक कर दो एक बार जल्दी से, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अमृतलाल लांगर का जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन है, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़िया जा रहे हैं आप लोग, एकदम जा रहे हैं सही। एक और एक ग्यारह होते हैं, इसका अर्थ क्या है। एक और एक ग्यारह होता है, इसके अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है बताइए। संसार में सब संभव है, संसार में सब संभव है, भीड़ में बल है, गणित विद्या में निपुणता, या फिर दोस्तों या फिर आपका संगठन में शक्ति, सॉरी संगठन नहीं, वो संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति लिखा है, इट्ठा लिखा है, ठा ए ठा लिखा है ऐसा, संगठन में शक्ति। तो एक और एक ग्यारह होते, इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि सर संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, यानी बी नंबर आपका सही होगा। एक और एक ग्यारह, संगठन में शक्ति, डी नंबर आपका सही होगा। यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। मास्टर कैडर के लिए भी है, हिमाचल प्रदेश के लिए भी। सौ सयाने एक मत का अर्थ क्या है, 49 में सौ सयाने एक मत। संजय पाठक जी बताइए, सरोज कुमार जी, सही आंसर क्या है 49 नंबर के क्वेश्चन में। सौ सयाने एक मत, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताना है। कुछ भी निश्चय न कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, बच्चे विचारों में भिन्नता होना, या फिर बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर के क्वेश्चन में सौ सयाने एक मत, यानी कि बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। डी नंबर, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। कौन वर्णिक छंद है, कौन वर्णिक छंद है, दोहा, चौपाई, सवैया, या फिर रोला। 50 नंबर का क्वेश्चन है संतोष जी, बताओ। कुमारी जी, रजिया जी, सोनू जी, सुनीता जी, पूजा जी, रीमा जी, निधि जी, वर्णिक छंद है दोहा, चौपाई, सवैया, या फिर रोला। तो 50 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका उत्तर कहां जा रहा है दोस्तों, चयन करिए। मंजू यादव जी, बीके शर्मा जी, लखिंद्र जी, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद का चयन करना है दोस्तों। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड आपको जरूर करना है, ठीक है। तो यहां पर वर्णिक छंद की बात हुई है, तो दोहा तो नहीं है, चौपाई भी नहीं है, रोला भी नहीं है, फिर कौन सा है, फिर सवैया माना जाता है। कौन सा माना जाता है, सवैया, यानी सी नंबर। वर्णिक छंद है सवैया, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अमिता जी, ठीक है, लखविंदर जी, तो जितने भी हमारे साथी हैं, दारसू जी और भी जितने साथी हैं, सभी लोग इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें दोस्तों, लाइक शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इसी प्रकार से आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार को आगे बढ़ाना है और भी साथियों को लेकर के आना है। ममता जी, प्रमांशु, प्रियंका जी, बीनू जी, लखविंदर जी, कुमारी, रीनू जी, ठीक है। तो आपको दोस्तों ऐप में जाकर के, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में जाकर के दोस्तों आप क्या करना है, आपको एक कमेंट जरूर करना है कि आपको ये ऐप कैसा लगा, एक रेटिंग जरूर देनी है कि इस ऐप को आप कितने स्टार देना चाहते हैं, 4, 3, 5 कितने देना चाहते हैं। ये आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल टीजीटी पीजीटी का कोर्स होता है। सुनीता मीना जी, है ना, कमला कांत जी, प्रीति पाल जी, ठीक है, तो आप लोग अध्ययन कर सकते हैं और दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। जिनको नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवाएं, और जिनको दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है वो 1500 में 12 महीने में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। आनंद जी, निधि जी, विकास जी, शांति जी, राजीव जी, संजय पाठक जी, अर्षदीप जी, रावंत जी, ठीक है, पूजा जी, है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है। श्वेता, संदीप, तन्मय जी, राहुल वर्मा जी, निरंतर अध्ययन करते रहिए। अनीता जी,
और सुनील तिवारी जी, निधि जी, तन्मय जी, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ना। धन्यवाद सभी साथियों।